नमस्कार, लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी सी एक मिठाई, जो कि बनने में तो आसान नहीं, खाने में भी बहुत टेस्टी है और आप उसे आराम से बना सकते हो। आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर की बर्फी। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है, पर गैस ऑन नहीं किया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी, 2 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप शक्कर, क्योंकि दूध पाउडर भी मीठा होता है तो हमारी बर्फी ज्यादा मीठी हो जाएगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क। दूध आप गर्म ठंडा कोई सा भी ले सकते हो, पर रूम टेम्परेचर के हिसाब से लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अभी पहले इसे हम मिक्स कर लेते हैं, फिर हम गैस को ऑन करेंगे। अभी हमने 1/2 कप दूध डाला है, और चाहिएगा तो और थोड़ा डाल देंगे। ये मिक्स हो गया है, अब हम गैस को ऑन कर देते हैं। गैस को हमने ऑन कर दिया है, गैस को एकदम लो पे रखना है, यानी कि सिम पे रखना है, हाई पे नहीं। अब सामने बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, आप इसे कभी भी बना सकते हो। इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। इसे बनाने में 10 मिनट में ये बनके रेडी हो जाती है। ना हमें इसमें चाशनी बनाने की जरूरत है, ना हमें इसमें मामा वगैरह की जरूरत है, ये आराम से बनके रेडी हो जाती है। धीरे धीरे ये ठीक होने लगा है, जैसे ये पैन छोड़ेगा हम इसको ट्रांसफर करेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आपको यदि इसमें कलर ऐड करना हो तो कलर ऐड कर सकते हैं, हम इसे ऐसे ही बनाएंगे, हमें इसमें और दूध ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही सारी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। धीरे धीरे ये ठीक हो गया है और पेन भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच घी और ऐड कर देते हैं, ताकि थोड़ी सी शाइनिंग आ जाए, और साथ ही हम इसमें 1/3 चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पैन से छूटने लग गया है अच्छी तरह से, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। हमने साइड में एक प्लेट भी रेडी कर ली है, जिसपे बटर पेपर लगा दिया है और वो घी से इसे ग्रीस भी कर दिया है। कोई भी मिठाई बनाओ, घी से मिठाई का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। ये बन गई है, गैस को कर देते हैं बंद और थोड़ी देर इसमें चला लेते हैं, फिर हम इसे प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं, ताकि हमारी बर्फी बन जाए। हमने इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है, अब इसे सेट कर देते हैं। थोड़ा सा कटोरी पे घी लगा के इसे सेट कर देते हैं, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये हमारी बर्फी सेट हो गई है, अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने देते हैं,
साथ ही हमने घोला है एक चम्मच दूध में थोड़ा सा केसर, जो हम बर्फी कट करेंगे तब इसके ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर अभी हमें बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी इलायची पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं और इसे 2 से 2.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मिलते हैं 2.5 घंटे बाद। यदि आपको जल्दी हो तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं 1/2 घंटे के लिए। ये हमारी बर्फी जम गई है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसका पेपर भी निकाल लेते हैं, एकदम अच्छे से जम गई है। पहले हम इसके साइड कट कर लेते हैं। एकदम आराम से कट जाती है, उसे सीधा कर लेते हैं। अब हम इसके कट लगाएंगे। कट आप अपने पसंद से कोई भी लगा सकते हो। ये हमारी बर्फी कटिंग हो गई है। एकदम आराम से कट हो जाती है। ये हमारी बर्फी एकदम रेडी। ये हमने केसर को दूध में घोल लिया है। अब इसे थोड़ा थोड़ा इसे लगा देते हैं ताकि ये देखने में अच्छी लगे। ये हमारी मिल्क पाउडर की बर्फी बनके रेडी, एकदम टेस्टी सी। खाने में तो टेस्टी है, बनने में भी बहुत आसान है और फटाफट से बन जाती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आगे के नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और हमारी मिल्क पाउडर की बर्फी खाके कमेंट जरूर करें कैसी बनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।